हेलो दोस्तों, मेडिसिन गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस फैलने से भारत में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती है। इसकी वजह यह है कि भारत में दवा कंपनियां एंटीबायोटिक्स के उत्पादन के लिए चीन से बल्क ड्रग्स या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का आयात करती है। चीन में आर्थिक सुस्ती के कारण पहले से ही कुछ बल्क ड्रग की कीमतों में उछाल आया है। भारत कुछ एंटीबायोटिक्स और विटामिन के एक्सपोर्ट पर बंदिशें भी लगा सकता है। भारत में जरूरी दवाओं की उपलब्धता बरकरार रखने के लिए डिपार्टमेंटल ऑफ फार्मास्यूटिकल की हाई लेवल कमेटी कई उपायों पर विचार कर रही है। मेट्रोनिडाजोल, क्लोरामफेनिकोल और एजिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स तैयार करने के लिए बल्क ड्रग या आईपी की जरूरत पड़ती है। चीन में हुबेई प्रांत से विटामिन B6 का भी आयात होता है। इस प्रांत की राजधानी वुहान से कोरोना वायरस दूसरे हिस्सों में फैला है। हुबेई से भारत बोरेक्स, कॉपर, जिप्सन जैसे मिनरल का भी आयात करता है। कमेटी के एक सदस्य ने बताया, हम निर्यात और आयात के आंकड़ों को देख रहे हैं। चीन में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से तैयार उत्पादों की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। जरूरत पड़ी तो हम कुछ दवाओं का एक्सपोर्ट रोक सकते हैं। भारत में बल्क ड्रग्स या आईपी का कारोबार करने वाले ट्रेडर्स ने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी है। टैबलेट, कैप्सूल और सिरप जैसे फार्मा फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए आईपी प्रमुख कच्चा माल होता है। कुछ आईपी की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ गई है। कर्नाटक ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के प्रेसिडेंट सुनील अत्तावर ने कहा, कुछ कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से हम पहले से ही मुश्किल में है। इसके अलावा सप्लाई में भी कमी आई है। दोस्तों, चीन से उठे कोरोना वायरस के बवंडर की वजह से भारत में $39 अरब के दवा कारोबार पर खतरा मंडराने लगा है। दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल चीन से आता है और कोरोना की वजह से इसकी आपूर्ति पर खतरा मंडराने लगा है, तो इसकी वजह से अगले वित्तीय वर्ष में दवाओं की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल मेडिसिन गुरु सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।